नमस्ते दोस्तों, फिजिक्स पुरोहित चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक फिजिक्स पुरोहित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द ही फिजिक्स पुरोहित चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। The next point which we are going to learn in electrochemistry is the last part of your chapter, जो कि corrosion है। एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज होता है, अगर आ गया ये पॉइंट एग्जाम में by God's grace, तो बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगा। So please learn it carefully, okay? अब हम देखने वाले corrosion क्या है, and specifically we are going to focus on methods which are used to prevent a metallic surface from corrosion, okay? Corrosion अगर बोलूं, तो corrosion rough language में अगर just आपको एक explain करना है, तो मैं ये बोल सकती हूँ, corrosion is degradation of quality of metal, okay? Degrade होना metal के quality का, या metal जो है उसका destruction होना। और ये सब क्यों होता है? Because जो metal होता है, that is in contact with, किसके contact में? Atmospheric oxygen के contact में, या excess moisture के contact में जब एक metallic surface आता है, तो metal surface क्या होता है? It starts to degrade, it starts to deteriorate, okay? तो फिर ये जो phenomenon है, जहाँ पे metal की quality degrade होती है, due to continuous redox processes जो अकर होते हैं उसके सरफेस पे, कब? जब वो कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के या एक्सेस ऑफ मॉइस्चर के, वो सीरीज ऑफ रेडॉक्स प्रोसेस क्या करती है? मेटल के क्वालिटी को डिग्रेड करती है, एंड उसी प्रोसेस को हम करोजन बोलते हैं। सो अगर आपको करोजन को डिफाइन करना है, आप कैसे करोगे? करोजन इज नथिंग बट डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मेटल ड्यू टू कंटिन्यूस रेडॉक्स प्रोसेस ऑकरिंग एट इट्स सरफेस, ओके? रेडॉक्स प्रोसेस उसके सरफेस पे अकर होते हैं when it is in contact with excess of moisture or atmospheric oxygen from the atmosphere, ठीक है? Very easy to define corrosion, आपको पता है जंग लगना जो है उसको हम corrosion बोलते हैं। अब iron का हमें पता है कि iron का जंग लगना है, silver भी corrode होता है, silver के जो substances है they may turn black in color अगर excess moisture के contact में आ रहे हैं, तो copper जो है that turns sometimes green in color, okay? तो अलग अलग metals जो है वो corrode होते हैं, but iron का जो है ज़्यादा contact में आता है, क्योंकि इंडिया में जो है iron बहुत ज़्यादा use किया जाता है day to day life applications में, ठीक है? अब जैसे you know दो आप है ना खिले जो होता है नेल्स, ओके, वो दो ले सकते हो, एक रस्टेड फॉर्म में एक प्योर फॉर्म में। यू विल फाइंड कि रस्टेड नेल जो होता है वो वॉल में हैमर करने को जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वेयर एज जो प्योर मेटालिक आयन का नेल है वो जो है वॉल में हैमर करने को ईजीली जो है हैमर हो जाएगा, क्योंकि रस्टेड मेटल की क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। वो क्या हो गया? डिग्रेड होने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मेटल ब्रिटल हो गया है। ब्रिटल हो गया है मतलब उसकी उसकी जो पहले ताकत थी एक है ना सरफेस के अंदर पियर्स करने की, वो अब कम हो चुकी है, उसको बोलते हैं क्वालिटी उसका डिग्रेड हो जाना, ठीक है? जो कि रस्टिंग की वजह से होता है। आयन के बारे में हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। अब ये मेथड्स क्या क्या है जिससे आप जो है करोजन अवॉइड कर सकते हो या करोजन को प्रिवेंट कर सकते हो, ओके? आयन के सर्फेस से जो है करोजन को प्रिवेंट करना। अब सी मैं बताती हूँ, सबसे पहला मेथड है यूज पेंट्स, ओके? पेंट्स यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम करोजन को जो है अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आपने देखा होगा कार्स है, ओके, बसेस है एक्सेट्रा, ये सारे जो व्हीकल वाले पार्ट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, व्हीकल बना है आयन के बॉडी का, ठीक है? उसके सरफेस को कोट किया जाता है पेंट से, ताकि इट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम करोजन फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। बट होता क्या है, समटाइम्स ड्यू टू स्क्रैचिंग या किसी चीज़ से कोलिजन होने की वजह से अगर इन सर्फेसिस के ऊपर से पेंट निकल जाता है, तो जो एक्सपोज्ड एरिया होती है ना, वो एक्सपोज्ड एरिया पे भी करोजन जो है स्टार्ट हो जाता है, एंड धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है, फैलते जाता है, ठीक है? तो ये जो है ये क्या है, पेंट जो है दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट करोजन, नो डाउट, बट इट इज़ नॉट सच एन इफिशियंट टेक्निक जिससे करोजन जो है वो पूरी तरह से अवॉइड हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्क्रैचिंग हो जाता है, स्क्रैपिंग हो जाता है किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, तो वो स्क्रैपिंग से जो है एक्सटेंट ऑफ करोजन देन स्टार्ट्स, जो कि मेटल के अंदर क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा, ठीक है? देन दूसरा जो टेक्निक है दैट इज़ पैसिवेशन, ओके? पैसिवेशन मतलब क्या करना है, सरफेस को पैसिव बनाना है। अभी आयन का सरफेस क्या है, एक्टिव है, इसलिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है एंड रस्ट फॉर्म हो रहा है उसके सरफेस पे। बट मेटल सरफेस को पैसिव बनाना मतलब क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मेटल सरफेस को, जैसे मान लो आयन के सरफेस को क्या किया,
नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया। नाइट्रिक एसिड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो क्या करेगा, कोई भी मेटल का जो है उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म करेगा इमीडिएटली, एंड उसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, उसका ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाएगा। तो पैसिवेशन मतलब क्या है, पैसिवेशन मतलब मेटल के सरफेस को पैसिव बनाना। तो क्योंकि मेटल का ही खुद का मेटल ऑक्साइड उसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, तो उसने मेटल सरफेस को क्या बना दिया, पैसिव। क्योंकि उसका ऑक्साइड लेयर मेटल सरफेस पर डिपॉजिट होने की वजह से अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में जो है तुम्हारा मेन मेटेलिक सरफेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अब नहीं आ सकता। ठीक है, ये हो गया मेटालिक सरफेस को पैसिव बनाना। कैसे हमने पैसिव बनाया, बाय ट्रीटिंग इट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, जिस वजह से उसी का ऑक्साइड लेयर जो है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म की तरह जो है एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड टेक्निक पैसिवेशन। अब थर्ड टेक्निक जो है दैट इज अलॉय फॉर्मेशन। ओके, अब अलॉय फॉर्मेशन में क्या होता है, सी आपको पता है अलॉय क्या, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, मेटल्स नॉन मेटल्स का अलॉय जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब जैसे आयन, आयन जो नॉर्मल क्वालिटी में है, जैसे आपने देखा होगा जैसे व्हीकल्स पे मान लो, बेंचेस पे मान लो, आयन जो होता है क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ गया तो इट स्टार्ट्स टू रस्ट। ओके, बट यही आयन जो है आपको अच्छे से पता है, जो घर का स्टेनलेस स्टील होता है इसी आयन का अलॉय है। ठीक है, बट ये स्टेनलेस स्टील जो है ऑल्दो इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर और मॉइस्चर, सालों साल जो है वैसा का वैसा चलता है। ठीक है, ये क्या किया, फिर उसी मेटल को उसके अलॉय में जब कन्वर्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी खासी चेंज हो गई, उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी अपग्रेडेड हो गई, इसीलिए करोजन जो है वो अवॉइडेड हो गया। तो मतलब किसी भी मेटल को अगर उसके अलॉय में कन्वर्ट किया जाए, जैसे आयन को कन्वर्ट किया जाता है यूजुअली क्या, स्टेनलेस स्टील में, तो फिर से उसका करोजन जो है दैट कैन बी डेफिनेटली अवॉइडेड। ठीक है, देन नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज गैल्वनाइजेशन, वेरी फेमस टेक्निक गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन तो खास एक ही एलिमेंट के बारे में टिपिकली हम बात करें तो हम कर सकते हैं, जैसे गैल्वनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ आयन विद द सरफेस ऑफ जिंक। ओके, आयन को कोट करना जिंक के सरफेस, जिंक के कोटिंग से। ठीक है, अब यहाँ पे गैल्वनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ पैसिवेशन भी बोलूँ तो अब चलेगा, क्योंकि क्या है पैसिवेशन में क्या है, मेटल के सरफेस को प्रोटेक्ट करना एक दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर उस पर डाल के। गैल्वनाइजेशन में क्या हुआ है, आयन प्रोटेक्टेड होता है क्योंकि उस पर जिंक जो है वो कोट किया जाता है। अब सी नॉर्मली अगर मैं आयन के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करती हूँ, ओके, तो मेटालिक आयन में कन्वर्ट, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -0.44 वोल्ट होता है। ठीक है, एंड अगर मैं जिंक पोटेंशियल की बात करूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की, आफ्टर गेटिंग कन्वर्ट इनटू जिंक, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.763 वोल्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है, जिंक जो है उसका पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है एज़ कम्पेयर टू आयन। इट मीन्स दैट आई कैन से जिंक इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन आयन। जिंक क्या है, एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है आयन के कंपैरिजन में, जिंक बीइंग अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये जब इजीली ऑक्सीडाइज होगा, इसका तो जो है वो जिंक के आयन के ऊपर सरफेस प्रोवाइड किया है हमने, आयन के ऊपर इसको कोट किया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस करेगा एंड नीचे जो आयन है उसको ऑफकोर्स क्या करेगा, बचा लेगा। ओके, दिस इज गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन is coating of surface of iron using zinc. Okay, last and most important method then of prevention of corrosion is the nice use of active metal. ओके, यूज ऑफ एक्टिव मेटल यहाँ पे तुम इसको बोलते हो, या फिर सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी जो है वो बोल सकते हो इसको तुम, अदर वर्ड्स में सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब जब तुम सैक्रिफिशियल की बात कर रहे हो तो बहुत ही एविडेंट है कोई चीज़ खुद को सैक्रिफाइस कर रही है यहाँ पे, एंड कौन सी चीज़ खुद को सैक्रिफाइस कर रही है यहाँ पे, एक्टिव मेटल जो है खुद को सैक्रिफाइस करने वाला है। यहाँ पे क्या होता है, जिस मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है, जैसे मान लो आयन को प्रोटेक्ट करना है तुमको, ठीक है, तो आयन जो है इज़ यूज्ड एज कैथोड, एंड जो मटेरियल तुम यूज़ कर रहे हो सैक्रिफाइस करने के लिए वो होता है एनोड। ओके, इस मेथड में जो एनोड यूज़ किया जाता है उसको सैक्रिफिशियल एनोड भी बोला जाता है।
जाता है। अब जैसे मान लो बहुत बार Mg जो है, अब जैसे आपको पता है जो आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है कितना है, -0.44 वोल्ट। Mg का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका -2.63 वोल्ट के तकरीबन होता है। मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो, अब यहाँ पे होता क्या है, सी बेसिकली मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने के वजह से, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था तो जिंक खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल और भी ज़्यादा है आयन के कंपैरिजन में, क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वो खुद क्या होगा, बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो जो तुम्हारा कैथोड एक्ट कर रहा है, मतलब जो आयन है वो क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है एक्सेस एनोड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आयन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, मेटल को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वन विच इज टू बी प्रोटेक्टेड विल एक्ट एज कैथोड, एंड जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, दैट विल एक्ट एज एनोड। सो मैग्नीशियम एनोड एक्ट करेगा, जो तुम्हारा आयन है वो कैथोड एक्ट करेगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम गेट्स इजिली ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम जो है वो खुद को सेक्रीफाइस करता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयन, इसीलिए दिस एनोड इज ऑल्सो नोन एज सेक्रीफिशियल एनोड। बेसिकली जो है ना लंबे लंबे आयन के पाइप्स होते हैं, आयन का टैंक होता है ना, उसको जब प्रोटेक्शन करने की बात जब आती है तब सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जो है दैट इज मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक। तो होता क्या है यहाँ पे, मटेरियल विच इज टू बी प्रोटेक्टेड इज यूज एज कैथोड, दूसरा मटेरियल जो तुम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हो दैट इज एक्टिंग एज एनोड। सिंस एनोड गेट्स ईजिली सैक्रीफाइस्ड इन द प्रोसेस, क्योंकि इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, hence it will get very easily oxidized. अब क्योंकि easily oxidized होता है, ये खुद जो है sacrifice हो जाएगा, and जो metal cathode करके act हो रहा है उसको बहुत efficiently जो है ये protect करेगा. Okay? So these are general techniques which can be used to prevent a particular metal क्या from corrosion. Hope so आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ में आई है. ठीक है, डेफिनेटली एग्जाम में आस्केबल क्वेश्चन है, सो प्लीज डू रीड दिस. ओके, थैंक यू. पुरोहित एकेडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी, ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर, जळगाव.